जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग वेलका इंडिया लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। कपड़ों से संबंधित व्यापार करने वाली एक छोटी सी कंपनी है, बेसिकली टेक्सटाइल के सेक्टर में कंपनी डील करती है। यदि हम लोग इसके काम को समझे तो ये यार्न क्लॉथ फैब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग करती है, बहुत बड़े पैमाने पर करती थी। कंपनी जो भी चीज़ें बनाती थी कपड़ों से संबंधित, उसको इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी करती थी, यानी कि आप समझ सकते हैं विदेशों तक में कंपनी का ये माल जाता था। लेकिन क्या है कि अभी जिसके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, कुछ दिनों से अभी उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स नहीं दिख रहा होगा, डीमैट अकाउंट से शेयर्स गायब दिख रहेंगे। वजह यह है कि जो 2 मई 2022 को इसमें लास्ट ट्रेडिंग हुआ था, और उसके बाद से ये स्टॉक में ट्रेडिंग होना बंद हो गया, जिसकी वजह से अब जाके लोगों के डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स भी नहीं दिख रहा है। तो क्या कुछ नया अपडेट निकल कर सामने आया है, अपडेट आया भी है कि नहीं, या कोई नया अपडेट आने भी वाला है कि नहीं? यदि कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो क्या वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा कि नहीं? और सबसे बड़ी बात, यदि कोई छोटी कंपनी और खासकर टेक्सटाइल से संबंधित कंपनी है, तो गवर्नमेंट तो हमारी टेक्सटाइल पर काफ़ी ध्यान देती है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और जो टेक्सटाइल के सेक्टर में काम करने वाली कंपनियाँ हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाएं, आगे इस कंपनी का क्या हो सकता है, उसका एक क्विक अपडेट लेंगे इस वीडियो में। ज़्यादा बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी। सबसे पहले चलते हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर, वहाँ पर समझते हैं कि अभी इस कंपनी का क्या लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आया है। तो यहाँ पर लोग आ गए हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर, और यहाँ पे देखेंगे अलका इंडिया लिमिटेड कंपनी को मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट इसका जो ट्रेडिंग प्राइस है 2 रुपये 70 पैसा था। ट्रेडिंग इसमें यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि ट्रेडिंग इस स्टॉक में बंद है, और जिसमें मैंने बताया कि ट्रेडिंग कब से बंद है, 2022 से ही इसमें बंद है। इस अकाउंट ऑफ जीएसएम में होने की वजह से ये इस स्टॉक में ट्रेडिंग बंद है। सामान्य तो कोई स्टॉक जीएसएम या एएसएम की कैटेगरी में जाता है, फिर भी उसमें मंडे के दिन एक दिन ट्रेडिंग होती है। लेकिन जब कोई स्टॉक जीएसएम की 6 कैटेगरी में चली जाती है, जीएसएम के कैटेगरी होते हैं 1, 2, 3, 4 तक तो ट्रेडिंग होता है, लेकिन जब कोई स्टॉक जीएसएम के 6 कैटेगरी में चला जाता है तो उसमें ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है। यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं लिखा हुआ स्टेज 6, यानी कि एकदम लास्ट समझ सकते हैं कैटेगरी होता है, उसमें जाने के बाद ट्रेडिंग पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। सेबी के द्वारा ये डायरेक्टेड है। नए अपडेट की बात करें तो यहाँ पे जब हम लोग कॉर्पोरेट एक्शंस में आते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस में आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई मेजर अपडेट हुआ ही नहीं है इसके बाद से। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी नए लेटेस्ट अपडेट इसमें निकल कर सामने नहीं आया, ना तो कंपनी, क्योंकि ट्रेडिंग ही जब बंद है तो कहाँ से कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा, ना डिविडेंड के रिगार्डिंग, ना बोनस के रिगार्डिंग, कुछ अपडेट नहीं है। यदि हम लोग बोर्ड मीटिंग की बात करें, क्या कंपनी का कोई बोर्ड मीटिंग या कुछ हुआ था, तो जब हम लोग बोर्ड मीटिंग में आते हैं यहाँ पे देखेंगे, तो बोर्ड मीटिंग लास्ट टाइम जो हुआ था नवंबर 2023 में हुआ था बोर्ड मीटिंग में वही हुआ था कि ये जो कंपनी का भी आईआरपी चल रहा है, मतलब रेजुलेशन इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन जो प्रोसेस चल रहा है, इसको शॉर्टकट में आईआरपी कहते हैं, मतलब कंपनी का विवाद अभी कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट आया है, उसी पर इन लोगों ने बातचीत किया। जो नवंबर में मीटिंग हुआ था उसके बाद ये जो इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन में प्रोसेस आया उसके लेकर डिस्कशन किया गया था बाद में भी, तो इसका कोई मेजर अभी अपडेट नहीं आया है। देखिए इसमें एक बात स्पष्ट है कि कंपनी के ऊपर हाई डेप्ट होने की वजह से इसमें ये कंपनी डिलीस्ट होने के कगार पर चली गई थी। अभी भी इसमें बहस हो रही है कोर्ट में, कंपनी का विवाद है। जब लेटेस्ट अपडेट निकल सामने आएगा तो यहाँ पे स्पष्ट पता चलेगा, तो उसके बारे में बताऊंगा। अभी कोई लेटेस्ट इससे बहुत बड़ा अपडेट नहीं है। चलते हैं कंपनी के बाकी डिटेल्स को समझते हैं, कंपनी कैसी है अभी की स्थिति में और आगे इसमें क्या होने के चांसेस हैं। जब कोई कंपनी एक बेहतरीन सेक्टर में काम कर रही होती है, और खासकर उस सेक्टर में जब गवर्नमेंट का भी साथ हो, तो कंपनी इतनी आसानी से डिलीस्ट नहीं हो सकती है। टेक्सटाइल के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, गवर्नमेंट ने इसके लिए जरूर कुछ सोचा है। चलिए समझते हैं कंपनी का बाकी फंडामेंटल कैसा है। यदि फंडामेंटल ठीक होगा तो ये जो अभी आईआरपी स्टेज में है, जो कोर्ट में विवाद चल रहा है, उसके बाद कंपनी डिलीस्ट होने के कगार से बच जाएगी और दोबारा इसमें ट्रेडिंग शुरू हो सकती है, और जिन लोगों का शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में नहीं दिख रहा है उनको शेयर्स दिखने लगेंगे। यदि हम लोग फंडामेंटल को समझे, तकरीबन 135 करोड़, यानी कि एक स्मॉल कैप श्रेणी की कंपनी, पेनी स्टॉक कह सकते हैं इसको। पी काफ़ी बढ़ गया था, देख सकते 3375 एक पेनी स्टॉक का पी चल गया था, यानी कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए इसमें 3375 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते पी का मतलब। बाकी बुक वैल्यू बहुत कम है। शेयर प्राइस इसमें बताया लास्ट टाइम 2 रुपये 70 पैसा पे इसने अपना क्लोजिंग दिया था, और चूंकि ट्रेडिंग कई सालों से नहीं मतलब एक डेढ़ साल से बंद है, तो इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी की आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते। बाकी यदि फंडामेंटल को समझे तो हम लोग जब बैलेंस शीट पर चलते हैं कंपनी के, तो बैलेंस शीट पर आपको समझ में आएगा कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना था। यहाँ पर देखिए कर्जा आप देखेंगे तो धीरे धीरे कंपनी ने कर्जा बढ़ ही रहा था। कर्जा 2.76 लाख के आसपास होगा, तो जो फ्री कैश फ्लो होता है कंपनी के पास वो बिल्कुल नहीं था, कंपनी के पास माइनस में था कैश फ्लो, समझ सकते हैं। तो इस वजह से कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ते गया और कंपनी धीरे धीरे दिवालिया होने के कगार पर चली गई, और जिस वजह से जाके बाद में कंपनी को इंसॉल्वेंट कोर्ट में एनसीएलटी के विवाद में जाना पड़ा।
जब हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कंपनी 2020 से ही कंपनी का कोई सेल्स नहीं हुआ था, यानी कि कंपनी कुछ कमा नहीं रही थी, लेकिन कंपनी चलाना है तो खर्चे तो बढ़ेंगे, तो खर्चे बढ़ेंगे जिसकी वजह से कंपनी का कर्जा बढ़ता गया, और चूंकि सेल्स नहीं हो रहा था तो कंपनी का प्रॉफिट भी कुछ नहीं हो रहा था, प्रॉफिट भी माइनस में था। तो इसी सब वजह से कंपनी का विवाद एनसीएलटी में गया और कंपनी का अभी उसमें जिरह चल रहा है, और जब पूर्ण रूप से कंपनी उससे बाहर आएगी तब उसमें ट्रेडिंग होने के चांसेस रहेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी देखेंगे तो आपको इसमें प्रमोटर्स नाम मात्र देखेंगे, सिर्फ 16% के आसपास देखेंगे, मेजर जो इसकी होल्डिंग्स थी पब्लिक के पास ही थी। तो देखिए अल्का इंडिया लिमिटेड से संबंधित अभी कुछ मेजर अपडेट नहीं निकलकर सामने आया, जब तक कंपनी कोर्ट केस से बाहर नहीं आ जाती। सामान्यतः तो भारत में कोई भी कोर्ट केस इतना जल्दी खत्म नहीं हो जाता है, समय लगेगा। लेटेस्ट जो भी अपडेट आएगा जब भी इसमें ट्रेडिंग शुरू होगा मैं इसके बारे में वीडियो बनाकर आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल के लिए यदि आपके पास शेयर्स हैं तो आप उसे भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपको डीमैट अकाउंट दिख नहीं रहा है, आप जैसे उसको रहने दीजिए, किसी अच्छे और क्वालिटी स्टॉक पर फोकस कीजिए, जो भी इसमें लॉस हुआ आपको उधर ही कवर हो जाएगा। बाकी आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें ट्रेडिंग शुरू होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।